तो आइए नीट के स्टूडेंट्स के फाइनल चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाने हैं और क्या नहीं ले जाना है। जिस तरीके से अभी टाइम बहुत कम बचा है तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखते हुए, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और इसके इंस्ट्रक्शन कुछ ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। तो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड तो आपको लेके ही जाना है वहाँ पर। उसके साथ साथ आपको इस बार अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिल करके लेके जाना है। अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपका एडमिट कार्ड के साथ ही अटैच है, तो उसे भी आप फिल कर ले। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आप एक फ़ोटो लगाए, जो भी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस वक्त जो भी आपने फ़ोटो दिया था वो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और आपका थंबप्रिंट लगा होना चाहिए। ये सब चीज़ें घर से ही कंप्लीट करके लेके जाओ, और सिग्नेचर करी भी होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड ले जाना ना भूले। उसके बाद फिर आती है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपने आइडेंटिटी, ज़्यादातर लोग आधार कार्ड की आइडेंटिटी देते हैं, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो भी दिया था आइडेंटिटी के लिए उसे लेकर जाए, जिस तरीके से हो सकता आधार कार्ड या पैन कार्ड। और ध्यान रहे ये सब चीज़ ओरिजिनल रहे, कोई फोटो कॉपी नहीं ले जानी है, हमें ओरिजिनल लेके जानी है ये सब चीज़ें। और एग्ज़ाम सेंटर पे दो फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाए, एक जो आपकी अटेंडेंस शीट में लगेगा और एक आपको एक्स्ट्रा आपके पास ही रखना है। और याद रहे वो फ़ोटो भी वही हो जो आप वाइट बैकग्राउंड में रहे, और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस वक्त जो भी दिया था वही फ़ोटो रहे। और वहाँ पर एक अपने ही घर से पेन लेके जाए, एक वाटर बॉटल लेके जाए जो ट्रांसपेरेंट हो वाटर बॉटल, और ड्रेस जो भी रहेगी वो सादी रहेगी जिस तरीके से हम घर पर पहनते हैं। और मास्क अगर लगाना रहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी मिलेगा मास्क जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पर। और नाश्ता वगैरह सब घर से ही पूरा कर कर जाए। और हाँ एक बात ध्यान में रहे कि आपको सेंटर पर, सेंटर के जो भी अराइवल टाइम है उससे आधे घंटे पहले ही पहुँचना है, यानी आप गेट क्लोज होने से बहुत पहले पहुंच जाएंगे।